नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया यानी कि इनडाइजेशन के बारे में। अगर आपको भी आए दिन पेट में गैस बनना, पेट सही से साफ ना होना, पेट फूलना, खट्टी डकार, बदहजमी जैसी परेशानी रहती है तो इसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि इनके पीछे के क्या कारण होते हैं और कैसे लक्षण आपको देखने को मिले जिससे आप समझें कि आपको क्या परेशानी एग्जैक्टली हो रही है, और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके इनडाइजेशन, खट्टी डकार, बदहजमी जैसी सभी परेशानियों के साथ साथ आपके कॉन्स्टिपेशन या पुराने कब्ज की परेशानी को भी ठीक करने में मदद करेगी। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर डिस्पेप्सिया यानी कि डाइजेशन कहते किसको हैं। अगर आपको आए दिन शरीर में जो अपर एब्डोमिनल एरिया है, मतलब आपके जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन लगता हो, गैस बनती सी लगती हो, गैस अटकी सी लगती हो, खट्टी डकार सी आती हो, बदहजमी एसिड से आ रही हो, पेट सही से साफ ना हो रहा हो, अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन रहता हो, मोशन से पहले या बाद में आपको एक पेट में भारीपन बना रहता हो, कभी कभी मोशन पास करने में ज़्यादा एग्जर्शन देना पड़ रहा हो, दर्द सा महसूस हो रहा हो, खाना थोड़ा सा ही खाते से ही पेट आपको बिल्कुल फुल महसूस हो रहा हो, तो उसको हम इनडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये एक लाइफस्टाइल इशू ज़्यादा है, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा बैठते हैं, खाने में कुछ ऐसी ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। माइल्ड लीवर डिसफंक्शनिंग में भी ये देखने को मिलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल में भी ये देखने को मिलता है, फैटी लीवर के पेशेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्ट की कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सर्टन मेडिकेशंस के साथ भी ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। आप कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हो जिसके वजह से भी आपको इंडाइजेशन आ सकता है। साथ ही साथ जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको डिस्पेप्सिया में या इंडाइजेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जिसका यूज़ मैं अपनी क्लिनिक में इवन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एरियाज में यूज़ करती हूँ, और ये एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है मेरा जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ये आपको मेरी वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, इसका नाम है गट केयर नाम से आपको ये मिलेगा। देखें, और इसमें जो मैंने मेडिसिंस कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं, ये आपको तीन तरह की दवाएं इसमें मिलेंगी। एक है मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, एक टैबलेट्स फॉर्म में और एक पिल्स फॉर्म में मिलेगा। बड़ी पिल्स हैं थोड़ी साइज में और एक ये छोटी पिल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में आपको 6 मेडिसिंस मिलेंगी जिसके अंदर हाइड्रस्टिस पड़ी है, चाइना पड़ी है, चिलिडोनियम पड़ी है, कार्डुअस पड़ी है एंड कैरिका पपाया पड़ी है एंड कालमेक पड़ी है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली इन मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रस्टिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन होता है। आपको अगर बहुत लंबे समय से कब्ज की परेशानी रह रही है, हाइड्रस्टिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। सेकेंड, ये आपके गर्ट की कंडीशन पे ही बहुत अच्छी काम करती है, शरीर में एसिड फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, जो चिलिडोनियम कार्डुअस है, ये आपके लीवर डिसफंक्शनिंग पे बहुत अच्छी काम करती है अलॉन्ग विद चाइना ऑल्सो। आपके लीवर में अगर कोई माइल्ड डिसफंक्शनिंग चल रही है, चाहे वो लीवर फंक्शन के टर्म्स में हो, माइल्ड फैटी लीवर के साथ हो, इवन कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी हो, तो वो दवाएँ इन सभी एरियाज में बहुत अच्छा काम करती हैं। कालमेक बहुत अच्छा काम करती है हमारे ओवरऑल डाइजेशन को इन्हांस करने में, साथ में हमारे जो एसिड फॉर्मेशन है, एसिड के बनने की जो टेंडेंसी है उसको कम करने में। साथ ही जो कैरिका पपाया है, पपीते से बनी हुई मेडिसिन है, ये आपके एसिडिटी के इशू को भी कम करती है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन संबंधित हर तरह की परेशानी को ठीक करने में मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, ये टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके अंदर ये प्रिपेयर की गई है नेक्ट्रम सेल्फ एंड नेक्ट्रम फॉस से। नेक्ट्रम ग्रुप जो है दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है
एसिड फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आपका शरीर जरूरत से ज्यादा एसिड फॉर्म करता है, साथ में गैस बनती है, पेट बहुत ज्यादा फूला फूला सा लगता है, तो ये दवा उस पर बहुत ही अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, पिल्स फॉर्म में बनाई गई है और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिंस पड़ी हैं, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ दोस्तों। इस पिल्स में रोबीनिया, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, एसिड फॉस, पल्सर्टिला जैसी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस डाली गई हैं। ये आपके एसिड बनने की परेशानी, जो खाना स्पेशली अगर आपने जैसे तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं या फैटी फूड ज़्यादा खाया है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टी डकार आने लगती है, उसके ऊपर पल्सर्टिला बहुत अच्छी काम करती है। नक्स एक स्टॉप मेडिसिन मानी गई है डाइजेशन रिलेटेड हर परेशानी के लिए। रुबीनिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एसिड रिफ्लेक्स के साथ साथ आपकी बॉडी में जो गैस बनने की भी परेशानी है उसके ऊपर भी। कार्बोवेज अगेन, यू नो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों ने ये देखा है, तो जो मेडिसिन मैंने इसमें यूज़ कराई है वो आपके हर तरह के डाइजेशन को कवर अप करने में, आपको जो किसी भी तरह का डाइजेशन इशू है, ये दवाएं इतनी सक्षम है कि उनको वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। पिल्स में इसलिए प्रयोग की गई है कि आपकी सारी दवाओं को एक ही बॉटल में इजीली मिक्स कर दिया जाए और आपको लेने में भी कन्वीनियंट रहे। अगर आप बच्चों को भी देना चाहते हैं तो इसकी 4 पिल्स दीजिएगा, बड़े ले रहे हैं तो 6 पिल्स इसका प्रयोग करना है। ये शुगर ऑफ मिल्क से बनी हुई पिल्स हैं, तो इवन डायबिटिक लोग भी इसका इजीली सेवन कर सकते हैं, इससे डायबिटीज फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली जो ये टैबलेट है, ये जो बड़े पिल्स हैं, इनमें 2 पिल्स आप बच्चों को दे सकते हैं और अगर बड़े ले रहे हैं तो इसकी 4 पिल्स का प्रयोग करें। इस पूरे एक बॉक्स की जो प्रिपरेशन है वो 1 महीने के लिए है, 15 दिन में आपको एक बॉटल एंड एक ये पूरी जो है फिनिश होगी। ये ऐसा सेट ऑफ 2 आपको दिया गया है जो आपके पूरे 1 महीने तक ईजिली चल पाएगी। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, इसको आप मात्र 699 रुपीज़ में पूरे मंथ के लिए ले सकते हैं। 1 महीने की ये पूरी दवा है इसमें, और क्योंकि ये मल्टीपल मेडिसिन से प्रिपेयर हुई है तो आपको लेने में भी बहुत ईजी रहेगा और एक बार में ही आपकी जितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एक बार में ही आपके बॉडी में पहुँच जाएंगी। इसको आप मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी से परचेज कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा बॉक्स आपको विद प्लास्टिक बॉक्स, जो बहुत स्टर्डी बॉक्स है, इसमें पैक होकर ये सारी दवाएँ आती हैं और ये इजिली आपके एरिया में आप इसको घर बैठे ही आराम से मंगा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने डाइजेशन रिलेटेड परेशानी को ठीक करना चाहते हैं तो एक बार मेरा ये कॉम्बिनेशन जरूर यूज करें, आपको एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।